गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्रमिक विद्यालय किला पाटी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट एसिड बेस एंड मिनरल इंडिकेटर्स लाइक लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स न्यूट्रलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन हम किसे बोलेंगे? बट न्यूट्रलाइजेशन, उसमें एक वर्ड है न्यूट्रल। ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रल? न्यूट्रल किसे बोलेंगे? ओके, सपोज मुझे किसी ने कहा है कि आप कौन से फेवर में हो, आप इसके फेवर में हो या इसके फेवर में हो, बट मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, तो मैं क्या हुई? न्यूट्रल। ओके, उसी तरह से सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ओके, सो न्यूट्रल सब्सटेंस इज ऑनली सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके, न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, ना कि वो एसिडिक होते हैं ना ही बेस होते हैं, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, देन न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? सो न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस सब्सटेंस इज मिक्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। सो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड एंड बेस, ओके, दोनों मिक्स होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है या फिर केमिकल रिएक्शन जिसे बोल सकते हैं, प्रोसेस है या फिर क्या है? प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन, एक प्रोसेस है या फिर केमिकल रिएक्शन है इन विच एन एसिड एंड बेस सब्सटेंस इज मिक्स विद ईच अदर। ओके, उसमें क्या करते हैं? एसिड एंड बेस को मिक्स करते हैं, कब तक? जब तक वो न्यूट्रल ना हो जाए। ओके, एसिड एंड बेस मिक्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक और बेसिक नेचर। तो पहले हमने देखा था कि एसिड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। ओके, एंड बेसिक का नेचर कैसा होता है? बेसिक। बेस का नेचर होता है बेसिक एंड एसिड का एसिडिक। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा कि एसिड एंड बेस को मिक्स किया जाएगा विद ईच अदर, दोनों साथ में मिक्स किए जाएंगे, कब तक? जब तक एसिड उसका एसिडिक नेचर एंड बेस उसका बेसिक नेचर जो है वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए। ओके, मींस वो न्यूट्रल ना हो जाए तब तक वो एसिड एंड बेस को मिक्स करने की जो प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ओके, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? न्यूट्रल किसे बोलते हैं? व्हाट इज न्यूट्रल? न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस व्हिच नाइदर एसिड नॉर बेस, जो कि एसिड भी नहीं है एंड बेस भी नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। बट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? दोनों में डिफरेंट है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एन एसिड एंड बेस सब्सटेंस इज मिक्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ओके, जब तक वो एसिडिक एंड बेसिक नेचर अपना जो है वो खो ना दे, तब तक उनको मिक्स करने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर दैट? सो डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन और व्हाट इज न्यूट्रल। ओके, सो आपको ये आंसर लिखना है। देन व्हाट इज सॉल्ट? फ्रेंड्स, दिस यूनिट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें हमने देखा था व्हाट इज एसिड। एसिड किसे बोलते हैं? एसिड आर शार इन टेस्ट, वो कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे। एंड बेसिस आर मीटर इन टेस्ट, बेसिस कैसे होते हैं? मीटर होते हैं। बट व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट किसे बोलेंगे? ओके, व्हाट इज सॉल्ट?
क्लोराइड
Then H2O means water. Okay, so कैसे salt का formation कैसे हुआ? Acid plus base उसका reaction हो गया salt plus water. Clear that? Hydrochloric acid plus sodium hydroxide का reaction करके हम क्या मिला? Sodium chloride means salt and H2O means water. Clear that? So friends, short question भी पूछा जा सकता है and reaction or formation of salt. Short question में पूछा जा सकता है या फिर long question पूछा जा सकता है. So आपको लिखना है what is neutralization and neutral. Definition पूछी जा सकती है. So आपको ये अपनी notebook में लिखना है. So I hope you understand this topic and in the next topic we learn about the next topic. Thank you.